आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करके ऑर्डर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बाय रिक्वेस्ट में आता हूँ, आपने माय बिजनेस पे क्लिक करके बाय रिक्वेस्ट पे आना है। यहाँ पर मैं आज आपको बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करके दिखाऊंगा, और अच्छी सी बाय रिक्वेस्ट सेंड करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं वो हो रही हैं 339, और जो मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड कर चुका हूँ वो है 2312। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छी से एक आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन यूज़ की हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की है जिसका नाम है फाइवर क्विक व्यू, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे आपने डाउनलोड करना है यहाँ पर वो भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है फाइवर क्विक व्यू। यहाँ पर आपने फाइवर क्विक व्यू लिखना है, और उसके बाद ये एक्सटेंशन आपके पास शो हो जाएगी। ये एक्सटेंशन है, इसको आपने फ़ौरन से इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पर मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसको पिन कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी पिन है। और दूसरी जो एक्सटेंशन है उसका नाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है यहाँ पर ऑटो रिफ्रेशर। तो वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है सुपर, यहाँ पर लिखना है सुपर ऑटो रिफ्रेशर, ऑटो रिफ्रेशर, सुपर ऑटो रिफ्रेशर आपने लिखना है। और यहाँ पर देखें सुपर ऑटो रिफ्रेशर हमारे पास एक्सटेंशन आ चुकी है। ये रेड कलर की एक्सटेंशन है, ये कोई और ओपन हो चुकी है, तो आपने इसको ढूंढ लेना है, ठीक है। ये रेड कलर की है तो आप इसको करेंगे तो ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पर कभी कभी ये ऊपर शो हो जाती है और कभी बहुत ही नीचे चली जाती है। चलिए इसको भी आप कर लें तो ये भी बेहतर है, लेकिन आपने तलाश कर लेनी है ये वाली, ये भी बिल्कुल बेहतर ही है। आप कोई सी भी ऑटो रिफ्रेशर जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर रेड कलर वाली, ये इसका नाम है स्मार्ट ऑटो रिफ्रेशर। ओके सॉरी, यहाँ पर आपने इस एक्सटेंशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये एक्सटेंशन क्यों हम यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं बताता जाऊँ कि हर वक्त आप ऑनलाइन नहीं रह सकते। हर वक्त आप क्या कर नहीं ये नहीं कर सकते कि आपने कंट्रोल आर करना है या फिर उसको ऑटो रिफ्रेश करते रहना है, तो ये हर वक्त आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्मार्ट ऑटो रिफ्रेशर लिखा है तो मेरे पास ये शो हो चुकी है स्मार्ट ऑटो रिफ्रेशर। आपने इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये 10 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी और अब फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चले मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ। आज मैं जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑफ़र आप कैसे सेंड कर सकते हैं, मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर आप इस ऑफ़र का क्या, ये जो एक्सटेंशन मैंने यूज़ की हुई है इसका क्या फ़ायदा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन दोनों के बारे में मैं बताता जाऊँ। ये जो स्मार्ट ऑटो रिफ्रेशर है आपने इसको 5 मिनट्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद स्टार्ट ऑटो रिफ्रेशर इस पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, हर 5 मिनट्स के बाद ये जो मेरे पास पेज ओपन है फाइवर वाला बाय रिक्वेस्ट वाला, ये रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, तो ये हर 5 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे न्यू जितनी भी जॉब्स होंगी वो शो होती रहेंगी। उसके साथ ही मैंने ये जो दूसरी फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन यूज़ की हुई है इसका क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताता जाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बायर का नेम शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं बायर के नेम पे शो क्लिक करता हूँ, अभी इसने इस एक्सटेंशन की वजह से ये वाला जो बायर का नेम है ये क्लिकेबल है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक न्यू जो है ओपन हो चुकी है, न्यू टैब ओपन हो चुका है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे क्लाइंट की जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्लाइंट अभी ऑनलाइन है, और क्लाइंट का नेम ये वाला है, क्लाइंट पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और उसने अगस्त 2022 में जो है वो उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। चले क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ क्यों ओपन की वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी क्लाइंट का यहाँ पर कोई
फीडबैक्स क्लाइंट के शो नहीं हो रहे, तो मतलब इस क्लाइंट पे मुझे ऑफर सेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 10 चांस होते हैं, एक दिन में 10 ऑफर्स मैं सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 8 ऑफर्स जो है मेरी जो लेफ्ट हैं बची हुई हैं, और 10 ऑफर्स टोटल थी, 2 ऑफर्स मैंने सेंड कर दी, तो अभी मेरे पास 8 ऑफर्स रहती हैं। तो क्या है कि मैं अपनी अगर 10 ऑफर्स जो हैं वो वेस्ट कर दूंगा, ऐसे लोगों पे सेंड कर दूंगा, तो फिर मुझे 8 नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या करना है कि मैंने ढूंढना है कोई ऐसा पर्सन जिसके पहले से ऑलरेडी फीडबैक्स भी दिए हुए हों और वो पहले से काम भी करा रहा हो, तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके इस पर्सन को भी देख सकता हूँ। अभी ये देखें, ये स्पेन का है और ये बहुत ही अच्छा है, इसको हर किसी ने 5 स्टार रेटिंग्स वगैरह दी हुई है, जस्ट एक बंदा है सेलर है जिसने इसको 1 स्टार रेटिंग दी है। तो मतलब क्या है, इसके अगर मैं इसके साथ काम करता हूँ तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैंने बाकी को भी देखना है, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकता हूँ। ये देखें, अभी ये एक सेलर है जिसने क्या किया कि यहाँ पर मेरे से कांटेक्ट मतलब ऑफर सेंड कर रखी है, पोस्ट कर रखी है। अभी क्या है कि जो सेलर होते हैं वो तो ऑलरेडी खुद चाहते हैं पैसा कमाना, वो खुद चाहते हैं कि उनको कोई ऑर्डर दे, तो ये क्यों ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब इसके पास कोई प्रोजेक्ट होगा और जो इससे नहीं हो रहा और ये चाहता है किसी और से करा ले। यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन हैं मैं उनका बाद में रिस्पॉन्स करूंगा, अभी मैं जस्ट आप लोगों को ऑफर सेंड करना बताऊंगा। मेरा लेवल 1 है इसलिए मेरे पास इतनी सारी ऑफर जो है वो शो हो रही हैं। आप लोगों का अभी कोई लेवल नहीं होगा तो अभी क्या है कि आप लोगों को बहुत ही कम ऑफर शो होंगी और कभी कभी शो होंगी। उनकी कुछ खास टाइमिंग्स होती हैं, जैसे सुबह 7 बजे के बाद आती हैं और बहुत सारी बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है, हर वक्त आपने रिफ्रेश करना है, जब आप रिफ्रेश करते रहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर जो होंगी वो शो होंगी। तो अभी मैंने चेक करना है यहाँ पर मैंने किस पर बिड करना है, और यहाँ पर एक और ऑफर आई हुई है, ये इनको मास्टर चाहिए मैथमेटिक्स का, तो मैं चेक करता हूँ अगर ये पहले से काम करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पहले से काम करा रहे हैं और एक अच्छी ऑफर है, मैं इस पे बिड जरूर करूंगा। लेकिन क्या है कि इस पे 20 लोगों ने अभी बिड कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये जो होती है क्लाइंट की मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जबकि ये यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कितने लोगों ने यह ऑफर सेंड कर दी है, ठीक है, उससे पहले कितने लोगों ने ऑफर सेंड कर दिया, 20 ने, और जबकि इसको ये वाला जो प्रोजेक्ट चाहिए वो 24 आवर्स में कंप्लीट चाहिए, और इसका जो बजट है वो है $2500, मतलब बहुत ही बड़ा जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है, तो इस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहिए। आज मैं आपको इसी प्रोजेक्ट पे बिड करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, सेंड ऑफर पे क्लिक करूँगा, अगर आपको कोई ऑफर पसंद नहीं होती या आप स्कैमर को देखते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेंड ऑफर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंड ऑफर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मैं उसकी सारी डिटेल को रीड कर सकता हूँ। उसकी डिटेल क्या है, वो कहता है कि उसे एक मास्टर चाहिए मैथमेटिक्स का जो एक्सपर्ट हो, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन ऑफ नंबर्स और लिस्ट नंबर्स इन सारी चीज़ों में उसको एक एक्सपर्ट ही चाहिए। वो उसका कोई टेस्ट होगा नंबर्स का तो उसको सॉल्व करना होगा, और नंबर्स के रिलेटेड ही उसे उसे कुछ फार्मूले यूज़ करने हैं उसके लिए, ये सारा काम है मैथमेटिक्स का। तो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स को जानता हूँ तो मैं इस पे ऑफर सेंड करूँगा। अभी क्या है, मेरे पास सारी की सारी वो मेरी गिग्स हैं जो मैंने बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, तो अभी मैं वो गिग अपनी उठाऊंगा जिस पर मेरे पास कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है, मतलब जिस पर 5 स्टार जो रेटिंग है वो ऑलरेडी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो गिग है एक्सेल के, और इसमें फार्मूलाज भी हम लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इस पे 5 स्टार रेटिंग्स हैं तो मैं इसके ज़रिए जो होगा ऑफर सेंड करूँगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको बहुत ही गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ बाय रिक्वेस्ट जो है ये अच्छे से सेंड करना आ गई तो यकीन मानिए कि आप लोग Fiverr.com, Guru.com, Freelancer.com, हर तरह के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर आप कामयाब हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर हो या कहीं पर भी हो, आप कामयाब हो जब आपको अच्छे से बाय रिक्वेस्ट सेंड करना आ गई तो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करना बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आता हूँ थोड़ा सा पीछे, मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्लाइंट का नेम क्या है, ठीक है,
क्लाइंट का नेम अभी आपको पता होगा, अगर मैं आपको कोई, ठीक है, आपको कोई आपके नेम से बुलाता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहता है हाय शाहिद, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उसने मेरा नेम लिया है, ठीक है। आपको भी, जैसे अगर क्लासरूम में आप बैठे होते हैं और एक टीचर जो है वो आते ही आपसे कहता है या फिर किसी का नाम लेता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि टीचर ने मेरा नाम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लाइंट का नेम जो होता है वो नोट करना होता है कि क्लाइंट का नेम कौन सा होगा। अब गोल्डमैन के साथ लिखा है 28, तो 28 आप साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर्स किसी के नेम के साथ नहीं होते। तो आपने क्या करना है, गोल्डमैन जो है, गोल्डमैन यही नेम उसका कॉपी कर लें या फिर वहां पर आपने लिख देना है। अभी क्या है, दोबारा मैं ऑफर सेंड करने पे आऊंगा। यहाँ पर मैं दोबारा जाकर अपनी उसी जो गिग है उसी को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑफर को जो है राइट करना है, बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मुझे मिल सके। ऑलरेडी मेरे से पहले 20 पीपल्स ने इस पे अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ, मेरी ऑफर अच्छी ना हुई तो वो 20 पीपल्स में से किसी को जो ऑर्डर दे सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जैसे अभी 20 पीपल्स ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे ही ऑफर है जिस पे किसी ने भी अप्लाई ना किया हो तो आपने उस पर अप्लाई कर देना है ताकि आप लोगों को ऑर्डर मिल सके। क्योंकि जब आप फॉरन सेंड करते हो, अगर आप सुबह सुबह उठते हो तो आप पहले पहले उन मैसेजेस का रिप्लाई करोगे जो बिल्कुल आपके सामने आएंगे, जो ऊपर ऊपर होंगे, जो लास्ट पे होंगे उनका आप रिप्लाई नहीं करोगे। तो आपने क्या करना है कि जो ऊपर ऊपर पहले पहले अगर आप ऑफर सेंड करते तो वो पहले पहले नंबर पर आ जाएगी और बायर को पहले पहले शो होगी। तो आपने क्या करना है, फौरन से जैसे ऑफर आपको शो है तो कम टाइम में आपने उसको क्लाइंट को ऑफर जो होती है वो सेंड करनी होती है ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अभी मैं आता हूँ और अभी क्या क्या कि वो कैंसिल हो गई, उस पे मैंने बिड किया तो वो कैंसिल हो गई। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता जाऊं कि यहाँ पर यही गोल्ड मैन है जिसकी 2500 की भी ऑफर है, यही गोल्ड मैन है जिसकी क्या वही ऑफर $1500 की भी है। तो मतलब क्या है कि अगर, और वही गोल्ड मैन है जो चाहता है कि एडवांस फार्मूला वही $30 में भी कह रहा है, तो मैं इसी 2500 पे आऊंगा, इसी पे ही मैं ऑफर सेंड करना आप लोगों को बताता हूँ। दोबारा मैं वही काम करने वाला हूँ, यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैं ऑफर जैसे लिख रहा हूँ आप लोगों ने इन चीजों को गौर से सुनना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है इसको समझना है कि क्लाइंट को चाहिए क्या। अगर आप जाते हैं किसी भी शॉप पे कुछ लेने के लिए, जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर नहीं करते कि मुझे फलां चीज चाहिए, उसकी फलां क्वालिटी होती है उसकी, और सारी रिक्वायरमेंट्स आप बताते हैं, तो उसके बाद ही वो जो शॉप वाला होता है वो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकता है और जो आपके माइंड में होती है वही चीज़ आपको मिलती है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैं भी क्लाइंट को जो चाहिए वही लिखूंगा कि मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्लाइंट को ऑफर सेंड करूंगा। तो देखिए कि मैं कैसे लिखता हूँ, और ऐसे ही आपने क्लाइंट को ऑफर सेंड करनी होगी, ऐसे ही अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपने क्लाइंट को लिखनी होगी। यहाँ पर पहले पहले मैंने लिखा है हेलो गोल्डमैन, ठीक है। अब हाय गोल्डमैन, हाय और ग्रीटिंग्स गोल्डमैन, हेलो गोल्डमैन, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया है सर, हेलो सर, या हेलो मैडम, या कुछ भी ऐसा है सर मैडम, ये जो वर्ड होते हैं ये आपने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपने मैडम को वर्ड यूज़ किया और वो जो हुआ वो मैन हुआ तो फिर क्या होगा, वो आपके ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे सर मैडम वगैरह ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये यूज़ नहीं करनी है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप ऐसे कर दो कि डियर लिख दो, अगर लिखना है तो ग्रीटिंग्स लिख दो, हेलो लिख दो, हाय लिख दो, ये चीज़ें, और क्लाइंट का नेम लिख दो। उसके बाद आप यहाँ से रीड करो कि क्लाइंट ने पहले पहले जो चीज़ लिखी होगी क्लाइंट को वही यहाँ पे लिखो और क्लाइंट को कहो कि आप वो चीज़ उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से देखूँ तो क्लाइंट को मास्टर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चाहिए जो क्या कर सके टू वर्क आउट द
नेक्स्ट लाइन ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ तक। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर उसे लिखने वाला हूँ कि मैं जो है मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ जो उसको चाहिए। मैं इतना सब कॉपी करता हूँ ताकि ताकि मुझे लिखना ना पड़े। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई कैन। मैं उसके लिए अभी ये जो ग्रामर मिस्टेक्स आ रही हैं, ये क्या ग्रामरली मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, तो ग्रामरली की वजह से यहाँ पर ग्रामरली कुछ मिस्टेक्स मेरी शो कर रहा है, तो मैं उनको करेक्ट करता जाऊँगा। अभी यहाँ पर ये सारे का जो उसका काम है असल, मैं उसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को वो वाली जो ऑफर्स होती हैं यहाँ पर वो लिखना समझा रहा हूँ कि जो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर मतलब हासिल की हैं, और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठ के समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही ऑफर सेंड करनी है। यहाँ तक मैंने लिखा, मैंने वही बात की जो क्लाइंट को चाहिए। मैंने कुछ नहीं लिखा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं वो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। कोई लंबियाँ नहीं लगानी अपने क्लाइंट को, ठीक है। वही चीज़ बताओ क्लाइंट को जो क्लाइंट को चाहिए, जो क्लाइंट खुद सोच के बैठा है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, आप उसी को वही चीज़ ही दो, ठीक है। अब क्या है कि वो क्लाइंट कहता है आई विल गिव यू अ टेस्ट सेट ऑफ नंबर्स इफ यू गेट दी नेक्स्ट लाइन करेक्टली। आई विल गिव यू द रियल सेट ऑफ नंबर्स, यू मस्ट टेल मी हाउ मच वर्क आउट द फर्स्ट सेट यूजिंग अ फार्मूला। अभी क्या है कि यहाँ पर आप उसे ये लिख दो कि मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके जो फर्स्ट लाइन है जो टेस्टिंग के लिए वो दे रहा है उसका, और उसके बाद आपने क्या करना है उसको वर्क करके देना है। लेकिन वर्क अगर आप हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल हो कि जो वो लाइन चाहता है वही उसका असल प्रोजेक्ट हो, तो आपने क्या करना होता है उस पर वाटर मार्क लगाना होता है, या फिर आपने जस्ट क्या करना है असल फार्मूला जो होता है वो छुपा देना होता है और उसको वर्क देना होता है ताकि वो आपका जो वर्क है वो लेके भाग ना सके, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है कि मैं उसे कहूँगा कि आई एम वेटिंग फॉर योर टेस्टिंग जो वो करना चाहते हैं सेट टेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। आप इसी को कॉपी कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि आप वेट कर रहे हैं। जब उसे ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है इसने कुछ नहीं कहा कि इसको कितना एक्सपीरियंस है कुछ भी, ये जस्ट क्या है मेरा टेस्ट करना चाहता है छोटा सा और उसके बाद ये मेरा प्रोजेक्ट लेना चाहता है, तो आपको वो ज़रूर हायर करेगा। ये सारा कुछ लिखने के बाद अभी हर ऑफर को भी ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लाइंट से क्वेश्चन पूछना होता है। अभी क्लाइंट इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा कि मैं क्लाइंट से क्वेश्चन पूछूँ, तो क्योंकि क्लाइंट खुद चाहता है कि वो पहले मुझे वर्क प्रोवाइड करेगा, मैं उसे को टेस्टिंग करके दूंगा और उसके बाद ही वो मुझे ऑर्डर देगा। तो मैंने हर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना कि क्लाइंट को ऐसा फील हो कि इससे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछना होता है वो भी वैलिड है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने कहा कि मुझे ना एक लोगो डिज़ाइन कराना है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स है ये है कि उसका कलर ये होना चाहिए, उसमें आप शेप यूज़ कर सकते हो या कुछ भी, उसने ऐसा कह दिया और उसने हरगिज ये नहीं बताया कि मुझे लोगो जो यूज़ कराना है उस कंपनी का नाम ही क्या है, ठीक है। और आपने उसे ये कह दिया कि बस मेरा इतना एक्सपीरियंस है मैं आपका ये लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ फलां फलां फलां, ये सारा कुछ लिख दिया, और उसके बाद आपने क्लाइंट से ये तो पूछा ही नहीं है कि आपकी कंपनी का क्या नेम है, आपको बिजनेस का क्या नेम है, तो वो क्लाइंट समझेगा कि जस्ट आपको किस चीज़ से गर्ज है, आपको पैसों से गर्ज है, ठीक है। आप जस्ट और पैसे ही लेना चाहते हो तो फिर क्या होगा कि क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। आप उससे पूछोगे उसकी कंपनी का क्या नेम है, आप कंपनी का नेम पूछने के बाद जब आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वो इजीली आपको क्या करेगा आंसर करेगा कि मेरी जो कंपनी का नेम है ये वाला है और मुझे लोगो चाहिए। जैसे वो आपके इनबॉक्स में आता है तो
70% जो होता है वो क्लाइंट ने समझो आपको प्रोजेक्ट दे दिया होता है, जब वो आपके इनबॉक्स में आ जाता है, तो उसके बाद फिर आपने 30% जो आपकी कम्युनिकेशन होती है अच्छी सी कम्युनिकेशन यूज़ करनी होती है, और उसके बाद 70% जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के होते हैं वो यूज़ करते हुए आप ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सारा कुछ मैंने लिख दिया क्योंकि ये जो जॉब है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसके लिए वो कुछ टेस्ट देगा, वो मैं क्लियर करूँगा, तो उसके बाद ही मुझे यहाँ पर वर्क मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इंटर लगाने वाला हूँ और क्लाइंट को कॉल टू एक्शन दूंगा। कॉल टू एक्शन मतलब क्लाइंट को बताऊंगा कि भाई मैं आपको वेट कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ऑनलाइन हूँ, ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें और मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कॉल टू एक्शन दिया है। कॉल टू एक्शन कैसे, मैंने क्लाइंट को बताया है कि भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ फॉर फर्दर डिस्कशन, ठीक है, और क्या है कि यहाँ पर मैंने उसको थैंक्स किया और साथ में अपना नेम भी लिख दिया। आप अपना नेम जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी मैंने देखना है कि क्लाइंट का जो बजट है वो $2500 था, तो यहाँ पर मैंने टोटल ऑफर अमाउंट लिखनी होती है। यहाँ पर मैं 2500 नहीं तो 2000 तो जरूर लिखूंगा, ठीक है, $2000 लिखूंगा। और उसके बाद उसको ये काम कितने आवर्स में चाहिए, उसे जस्ट वन डे में चाहिए, और यहाँ पर उसने लिखा है 24 आवर्स और वन डे, एक सेम ही चीज़ है। आ गया नंबर ऑफ रिविजन्स, ठीक है, तो आपने इसको नंबर ऑफ रिविजन्स देनी है, तो आप इसको अनलिमिटेड लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। नंबर ऑफ रिविजन्स के बारे में मैं बताता जाऊँ आपको, तो नंबर ऑफ रिविजन्स का मतलब होता है कि आप क्लाइंट अगर आपके काम में खराबी है जो आपने क्लाइंट को करके दिया है, तो आप उसको कितनी बार दोबारा काम करके दे सकते हो, ठीक है, इसको नंबर ऑफ रिविजन्स बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर अनलिमिटेड कहना है कि भाई क्लाइंट को बताना है कि जितनी बार आपको चेंजेस की ज़रूरत होगी वो मैं करके दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूलाज, नंबर ऑफ मैक्रोस, नंबर ऑफ बटन्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अब नंबर ऑफ फार्मूलाज आप यहाँ पर 10 लिख दें, और नंबर ऑफ मैक्रोस 5 लिख दें, और बटन और जो फॉर्म्स हैं वो भी आप सेट कर दें, ठीक है, वो कितने सेट करने हैं वो भी 20 कर दें, ठीक है। और यहाँ पर इंक्लूड सोर्स कोड भी आपने यहाँ पर सेट कर देने हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि यहाँ पर ये हो सकता है इस काम में वो हमसे एक्सेल में कराए, तो एक्सेल में क्या होगा कि हमें क्या होगा पुट करने पड़ेंगे मैक्रोस पुट करने पड़ेंगे, तो मैक्रोस के लिए सोर्स कोड होगा, उसका कुछ कोडिंग होगी, तो वो भी हम क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ फार्मूलाज भी देंगे, 10 फार्मूलाज लगा के देंगे, और उसको हम नंबर ऑफ मैक्रोस 5 मैक्रोस मतलब वही वीबीए कोडिंग करके दे देंगे, ठीक है। 20 जो है बटन और फॉर्म जो होंगे वो सेंड करके देंगे। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट को ये ऑफर सेंड कर देनी है, ठीक है, यहाँ पर सबमिट ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे मैं सबमिट ऑफर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 21 हो गया और ये ऑफर क्लाइंट को सेंड हो गई। जैसे ऑफर क्लाइंट को सेंड हो जाती है तो यहाँ पर सेंट ऑफर लिखा हुआ आ जाता है। आपने ऑफर ऐसे ही क्लाइंट को सेंड करनी है, और उसके बाद रिफ्रेश करके आप वेट करते रहें कि क्लाइंट का आपको मैसेज आता है या नहीं, क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं, वो आपको यहाँ पर मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा, या फिर ऑर्डर आएगा तो नोटिफिकेशन में आपको शो हो सकता है, ठीक है। आपने ऑफर सेंड करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि क्लाइंट से क्वेश्चन करें, ठीक है, अगर वो कोई काम कह रहा है वो कोई चीज़ छोड़ रहा है अपने ऑफर में, तो आप उससे पूछें, क्वेश्चन करके पूछें, क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करने के लिए इनबॉक्स में आएगा, और इनबॉक्स में आया तो फिर समझो आपने 70% जो है वो उसको फंसा लिया, और वो आपको प्रोजेक्ट ज़रूर दे के जाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि आपने कम्युनिकेशन अच्छी यूज़ ना की, आपने फ़ौरन से ही उसे पैसों का कह दिया, भाई आप मुझे कितने पैसे दोगे, या फिर ऐसा कुछ कह दिया क्लाइंट को, कह दिया कि हाउ मच योर बजट या कुछ भी, तो वो क्लाइंट चला जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपने क्लाइंट को ये कहना है कि भाई मुझे कितना आप पे करोगे या कुछ भी, बजट की पहले बात ही नहीं करनी। आपने क्लाइंट का काम देखना है, क्लाइंट के काम को देखने और समझने के बाद आपने क्लाइंट का ऑफर सेंड करनी है, ठीक है। मेरे पास अभी ऑफर शो हो रही है, काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है, 300+ है, तो आपके पास हो सकता है 2-3 या अभी इतने ही शो हों, क्योंकि अभी आप न्यू सेलर हो और मेरे पास लेवल 1 है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर सेंड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी आप फ्रीलांसिंग में दें, फाइवर को दें, ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ पे रिफ्रेश करते रहें, और हर वक्त आप यहाँ पर होने चाहिए। या ये भी कर सकते हैं कि आप सेल फोन में फाइवर की ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि किसी का मैसेज आया हुआ है, किसी की बाय रिक्वेस्ट आई है तो उसे सेंड कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, सही है। तभी आपको ऑर्डर जो है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पूछिए। हसन कहते हैं सर इसको डाउनलोड कैसे करें, किसको डाउनलोड थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। नवीद कहते हैं कि फाइवर क्विकली से अकाउंट को कोई मसला तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। शगुफ्ता कहते हैं सर एक्सटेंशन बता दें, एक्सटेंशन का एक का नाम है फाइवर क्विक व्यू और दूसरी है स्मार्ट ऑटो रिफ्रेशर। और सर सैमा का क्वेश्चन है सर फाइवर लैपटॉप में भी डाउनलोड करना होगा? फाइवर डाउनलोड नहीं होता, फाइवर जस्ट गूगल पे चलता है, क्रोम पे चलता है, ठीक है, वो एक वेबसाइट है, वो डाउनलोड नहीं होती। जस्ट सेलफोन में एक ऐप होती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, ठीक है। यहाँ पे अरीबा है, उनके क्वेश्चन है सर ये फार्मूला वगैरह लोगो वाली सर्विसेज में तो नहीं, क्या कह रही हैं? आपको क्वेश्चन से नहीं आ रहा, आपको भी आएंगी सारी सर्विसेज, आप भी दे सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन है तो। क्रीम कहते हैं सेंड रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ आ रही है? तो सेंड जो आपने रिक्वेस्ट कर दी वो यहाँ पर सेंड ऑफर्स में आपको शो होगी। अगर आपने ऑफर सेंड करनी होती है तो फिर यहाँ माई बिजनेस में आके बाय रिक्वेस्ट का बटन होता है, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर अरसलान है, कहते हैं कि सर इन एक्सटेंशन में साइन इन करना होगा? बिल्कुल भी नहीं, साइन इन की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इंस्टॉल कर लेना है उनको। बिल्कुल, फाइवर पे आप अकाउंट बनाए पहले। हाँ सैमा चौधरी कहती हैं, चांदनी कहती हैं कि सर आपकी ये क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर है? बिल्कुल है। और कौन सी क्वेश्चन है, सेंड और में क्या फ़र्क है? तो क्रीम कहते हैं सेंट ऑफर्स और बाय रिक्वेस्ट में क्या फ़र्क है? बाय रिक्वेस्ट और सेंट ऑफर्स में, यहाँ पर सेंट ऑफर्स आपको वो शो होंगी जो बाय रिक्वेस्ट आप भेज चुके होंगे, और बाय रिक्वेस्ट जो होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी। हसन कहते हैं सर आप आज का लेक्चर जो है वो ग्रुप में भेजें, वो भी भेज दूंगा। शेजर अब्बास कहते हैं मोबाइल पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। मोबाइल पे एक्सटेंशन एक ही आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ मोबाइल में एक्सटेंशन नहीं होती, वहाँ पर होती है ऐप्स, ठीक है। एक तो फाइवर की आप लोगों ने वहाँ पर डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है, और दूसरी होती है वहाँ पर ऑटो रिफ्रेशर एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके ज़रिए आप ऑटो रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ, अरीबा का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अरीबा कहते हैं कि सर जो आपने फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे लगाए हैं, क्या हम सबको जो लोगों वगैरह की सर्विस दे रहे हैं उनको भी ये वाले फार्मूलाज वगैरह के बारे में बताना होगा? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, हर एक ऑफर में आपको एक्स्ट्रा में कुछ डिफरेंट देना होगा, सही है। यहाँ पर अभी क्या है कि फोटो एडिटिंग के बारे में ऐप है, तो यहाँ सेंड ऑफर में मैं क्लिक करता हूँ, मैं फर्स्ट को यहाँ पर जो आप ना गीक सिलेक्ट करोगे, जिस काम के जरिए जिस काम के लिए वो उसके लिए शो होगी। अभी क्या है फोटो एडिटिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं आता हूँ
और यहाँ पर मैं फोटो एडिटिंग का थोड़ा सा ये काम पड़ा है, मैं इसमें करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा में सोर्स फाइल देनी होगी, इंटीरियर डिज़ाइन देना होगा, इमेजेस के बारे में बताना होगा, सोशल मीडिया किट के बारे में बताना होगा, और क्लिकेबल टॉप के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक ऑफर में डिफरेंट चीज़ें आपको देनी होंगी, ये नहीं है कि हर जगह आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज और उनके बारे में बताना होगा। खदीजा कहती हैं सर गूगल स्केचअप सिखाएंगे, इंशाल्लाह उसका एक जो लेक्चर होगा मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। सैयदा मुस्कान कहती हैं कि सर guru.com आप सिखाएंगे, ऑलरेडी उसके जो लेक्चर्स हैं वो पड़े हैं वहाँ पर यूट्यूब पर। सर आप हसन कहते हैं कि सर आप माइक क्यों बंद करके रखते हैं, माइक खोल दें। हसन ऐसे है कि अगर मैं एक बंदे के भाई माइक ओपन करता हूँ तो, या सबके माइक ओपन करता हूँ तो क्या होगा, सभी पूछने लग जाएंगे और फिर यही वीडियो हमने यूट्यूब पे चढ़ानी होती है। अगर ज़्यादा शोर हुआ तो कोई भी इस वीडियो को दोबारा नहीं देख सकेगा और आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने मैसेज छोड़े करें और उसके मैं आंसर दूंगा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट रहता है। शानीला कहती हैं फ्राइडे और थर्सडे का लेक्चर अपलोड कर दें, ठीक है वो अगर अपलोड नहीं हुआ तो अभी मैं टीम से कहता हूँ वो अपलोड कर देंगे। फाइल्स के बारे में कब बताएंगे, पीडीएफ फाइल्स के बारे में इंशाल्लाह कल की क्लास रखते हैं। सर हम फाइवर का अकाउंट बनाए, बिल्कुल बना ले, आपने अभी तक फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया क्या? बिल्कुल फाइवर का अकाउंट बनाए भाई बनाए। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो, क्लास एंड होने वाली है। सही तो मुस्कान फातिमा कहते हैं सर फाइल्स PNG JPG इनकी डिटेल बता दें। ओके, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।